नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन यूनिक कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज है उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन जो सपोर्ट करेगा हमारा इंडिया को, एमएसएमई सेक्टर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सारी डिटेल में जो भी पॉइंट्स हैं, नॉर्मली ऐसी जो रिपोर्ट्स आती है वर्ल्ड बैंक की, OECD की, फिर या बोले WTO के, IMF की, होता है क्या दोस्तों, नॉर्मली पैसेज की टाइप से पूछता है, उसके अंदर 3 से 4 सवाल पूछता है नॉर्मली आपको पैसेज के अंदर। ये रिपोर्ट्स के अंदर मोस्टली रैंकिंग आती है या फिर कुछ प्रोजेक्शंस आता है, या फिर हमारे जो इंडिया की पर्टिकुलर जिस भी सेक्टर का बारे में रिपोर्ट होती है उसकी कुछ कमियां रहती है या फिर कुछ गैप्स है वो रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है, साथ में कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करती है ना, वो सब एग्जाम में पूछ लेता है कि इस रिपोर्ट ने कौन से रिकमेंड, इस पर्टिकुलर एजेंसी ने ये रिकमेंड किए हैं, और कभी कभी क्या कुछ ब्लैंक भी दे देता है पैसेज में। तो उस ब्लैंक वैल्यूज को आपको फिल करने के लिए और ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको इन डेप्थ में स्टडी और एनालिसिस चाहिए होता है ऐसी रिपोर्ट्स का, तो वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो देखिए एंड तक ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, एग्जाम में सवाल आता तो आपके लिए आंसर देना ईजी रहे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया हमारे एमएसएमई फाइनेंसिंग को, एमएसएमई सेक्टर को, काफी अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने वाला सेक्टर हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट का फोकस रहता है स्कीम्स एमएसएमई सेक्टर की, स्किल डेवलपमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अगर आपने कवर नहीं किया तो कवर कर लीजिए, साथ में मेरा जो प्लेलिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स उसको जाकर देखते रहो, सपोर्ट करते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का सपोर्ट दिया हमारे एमएसएमई सेक्टर को, जो कि कोविड की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो लगभग 5,55,000 एमएसएमई को फायदा पहुंचाने वाला है। वो टोटल इस प्रोग्राम की वजह से दोस्तों, जो टोटल जो फाइनेंसिंग रिसोर्सेज मोबिलाइज होने वाले हैं वो है $15.5 बिलियन। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो प्रोग्राम भी चला रखा है इन्होंने, $3.4 बिलियन का जो है दोस्तों, उस प्रोग्राम का नाम आप याद रख लीजिए, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस ए पोस्ट कोविड रेजिलियंस एंड रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो करंट जो हमारा न्यूज है उसको उसके बारे में इसमें दिया गया है। दोस्तों, ये जो 500 मिलियन जो प्रोग्राम है उसका नाम आप याद रखिए, पूछा जा सकता है ब्लैंक देके, रैंप दे देगा आपको, रैंप की फुल फॉर्म पूछेगा। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का नाम पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ब्लैंक दे सकता है पैसेज के अंदर। दोस्तों, इसके तहत हमारे हमारा जो इंडिया का एमएसएमई सेक्टर उसको 500 मिलियन यूएसडी का सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब वर्ल्ड बैंक एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। इसके पहले भी लास्ट ईयर जुलाई के अंदर भी 750 यूएसडी मिलियन का इन्होंने सपोर्ट दिया था, किसकी टर्म्स में, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम की तरह। तो टोटल हम लोग बात करते हैं तो टोटल अब तक वर्ल्ड बैंक का टोटल सपोर्ट हो चुका है $1.25 बिलियन। तो दोस्तों, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है अब तक 5 मिलियन फॉर्म्स ने है ना गवर्नमेंट प्रोग्राम से फंडिंग प्राप्त किया है। दोस्तों, हम लोग और अंदर की बातें करते हैं। जो पहला जो प्रोग्राम था इसका, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोग्राम, उसकी दो प्रायोरिटीज थे, यानी कि दो चीजों के लिए उसने हेल्प करी थी। एक तो इमीडिएट जो लिक्विडिटी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया था, और जो क्रेडिट नीड्स थी जो एमएसएमई था। तो ये दो चीजें आपको ब्लैंक देके पूछ सकता है। तो पहला फेज वाला जो लास्ट ईयर का जो 750 मिलियन यूएसडी का सपोर्ट था, वो था इमीडिएट लिक्विडिटी जो रिक्वायरमेंट्स थी और जो क्रेडिट नीड्स थी उनको फुलफिल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो अभी जो रैंप प्रोग्राम है, अभी जो दूसरा जो 500 मिलियन यूएसडी का जो सपोर्ट है, वो कैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करने वाला है। दोस्तों, ये एमएसएमई सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और साथ में अभी जो रिकवरी फेज है उसके अंदर फाइनेंसिंग नीड्स है एमएसएमई, उनको भी पूरा करने वाला है। तीसरा है जो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग है दोस्तों, उसको भी क्राउड इन करेगा, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर का भी फंडिंग इस सेक्टर के अंदर आए। उसके बाद में जो लास्ट और फोर्थ जो हेल्प करेगा ये सेक्टर, जो फाइनेंस सेक्टर की वजह से जो एमएसएमई के इश्यूज हैं, जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा, जो इम्पैक्ट है वो भी इसमें थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, चार के चार रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपन थोड़ा डाटा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बैकबोन बोलते हैं हमारे इस एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का 30% जीडीपी है ना, वो एमएसएमई सेक्टर से ही कंट्रीब्यूट होता है, और 40% ऑफ एक्सपोर्ट्स, समझ रहे हो,
जो हमारे एक्सपोर्ट्स उनका 40% हिस्सा एमएसएमई कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा ये जो अगले आगे की जो लाइन है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक देके पूछ सकता है दोस्तों। हमारा देश भारत में टोटल 58 मिलियन एमएसएमई है। कितनी है? 58 मिलियन एमएसएमई, ठीक है। लेकिन जो उनकी जो प्रॉब्लम है बड़ी वाली, वो इस लाइन ने आइडेंटिफाई की है दोस्तों। जो 58 मिलियन एमएसएमई है, उनमें से 40% एमएसएमई है उनके पास तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक्सेस है ही नहीं, समझ रहे हो। यानी कि जो 40% जो एमएसएमई है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सोर्सेज से, मनी लेंडर से उनसे फाइनेंस ले रही है, तो काफी बड़ा कंसर्न है। इसलिए दोस्तों काफी ज्यादा तो जो मनी लेंडर है उनके चुंगल में फंस के काफी ज्यादा दिक्कतों में पड़ जाती है एमएसएमई। अगर जुनेद अहमद साहब जो कि वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर हमारे इंडिया के लिए, उन्होंने बोला है कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है दोस्तों, जो प्री कोविड जो लेवल थे वहाँ पे हमारा एमएसएमई को लाने में हेल्प करेगा, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट भी देगा और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोडक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा, और दोस्तों जो हमारा एमएसएमई सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी दे सकता है, तो इन सब में ये प्रोग्राम हेल्प करने वाला है लॉन्ग टर्म में। साथ में उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड बैंक एक आम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो हम देखते हैं दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है और कोऑर्डिनेशन उसको बढ़ावा देंगे दोस्तों। हमारे जो एमएसएमई के लिए प्रोग्राम स्कीम्स जो है मिनिस्ट्री चला रहे हैं, डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आरबीआई चला रहा है, सिडबी चला रहा है, और स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उन सबका एक कन्वर्जेंस बेसिस पे जो है दोस्तों अच्छे से इम्प्लीमेंट, तो सारी स्कीम्स एक मतलब एक कॉमन गोल्स और कॉमन जो है टारगेट करेगी, तो अच्छे से हम लोग एमएसएमई को बढ़ा पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। ये प्रोग्राम बेटर स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करेगा, साथ में स्टेट लेवल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बने हैं वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्लान्ड वे में हमारा इनको हेल्प करने वाला है दोस्तों। वो पर्टिकुलर चीज़ होने वाली है हमारी एमएसएमई की जो कैपेसिटी उसको बढ़ावा देना, साथ में वो पॉलिसीज लॉन्च करना जो कि हमारी एमएसएमई की जो डिजिटल जो माध्यम है उसके सहायता से भी उनको हेल्प कर सके, साथ में इंटीग्रेटेड पोर्टल्स जो है लॉन्च हो सके ताकि जो कॉस्ट इफेक्टिव जो सर्विसेज है एमएसएमई को मिल सके। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन भी इसके अंदर फोकस है दोस्तों, और जो हमारे लोकलाइज जो एमएसएमई की नीड है ना, चैलेंज अलग अलग जगह की एमएसएमई का अलग अलग चैलेंज, उसमें भी ये प्रोग्राम सहायता करने वाला है। साथ में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो हमारे जो फाइनेंसिंग जो सोर्सेज है अच्छे प्रोवाइड करेगा, वर्किंग कैपिटल नीड्स है एमएसएमई की वो भी मीट होगी रिसीवेबल फाइनेंस मार्केट के थ्रू, और जो साथ में जो ऑनलाइन जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी थोड़े एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा ताकि जल्दी जल्दी एमएसएमई का जो पैसा अटका रहता है वो क्लियर हो सके और उनकी जो समस्याएं कम हो सके। और दोस्तों जो अल्टीमेट हम लोग बात करते हैं सभी स्कीम्स का, तो ये अल्टीमेट मकसद है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस सॉल्यूशंस एमएसएमई को मिले, क्वालिटी आए, एक्सेसिबिलिटी आए उनके लिए, फंडिंग में इम्पैक्ट अच्छे से कर सके और जो स्कीम्स है वो सभी एमएसएमई को फायदा पहुँचा सके। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है उनको प्रमोट कर रहा है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट कर रहा है उसके अलावा, और साथ में जो वुमेन हेडेड जो बिजनेसेज हैं उनको भी सपोर्ट करने वाला है, और साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि जो एक बड़े लेवल पे एमएसएमई को फायदा पहुंचा सके, प्राइवेट सेक्टर अपना स्किल और अपना जो एक्सपर्टाइज है उसके बेसिस पे। आई थिंक दोस्तों अपन जिसके की पॉइंट्स थे अपन ने सब देख लिया है, उसके अलावा अगर आप एक यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन किया वो भी देख लेते हैं, जो रैम प्रोग्राम है अल्टीमेटली दोस्तों हमारा जो एक सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, एमएसएमई की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करेगा, जेंडर गैप को और मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है एमएसएमई कर पाए इसको भी बढ़ावा देने वाला है। साथ में इन्होंने 5 दोस्तों मूवर स्टेट्स भी टारगेट किए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु, बाद में और ऐड किया जा सकता है। इस जो पर्टिकुलर लोन है उसका 18.5 साल की मैच्योरिटी है, 5.5 साल का ग्रेस पीरियड है। इन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया एमएसएमई लैंडस्केप इन इंडिया, देख सकते हो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर किस समस्याओं से ग्रसित है, पढ़ लो इसको एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। छोटे हमारे जो एमएसएमई है टाइम के साथ एमएसएमई ग्रो नहीं हो पाती है, उसका एक इकोनॉमिक सर्वे भी एक्सप्लेन किया गया है। हमारी एमएसएमई सेक्टर की यूनिक प्रॉब्लम्स है वो एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक चैप्टर है 2018-19 के अंदर, आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको उम्मीद है आपको बहुत सारी अच्छी बातें जानने को मिली होगी दोस्तों। सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।